तो चलिए थोड़ा आज हम समझते हैं कि आखिर बिटकॉइन क्या है और यह कैसे काम करता है। बिटकॉइन की सप्लाई को 21 मिलियन तक सीमित रखा गया है। इसका मतलब है कि कभी भी 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। यह सीमित आपूर्ति बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका मूल्य समय के साथ बढ़ने की संभावना है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस अननोन होती है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन उपयोगकर्ता अपनी पहचान छुपा सकते हैं। हालांकि हर ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन इसमें उपयोगकर्ता की पहचान नहीं होती। बिटकॉइन को विश्व भर में स्वीकार्यता मिल रही है। कई प्रमुख कंपनियां और संगठन बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इससे बिटकॉइन की उपयोगिता और मान्यता में वृद्धि हो रही है। दुनिया भर में बिटकॉइन एटीएम मशीनें स्थापित हो रही हैं। ये एटीएम मशीनें आपको बिटकॉइन खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। आप इन मशीनों के माध्यम से बिटकॉइन को नकदी में बदल सकते हैं और नकदी को बिटकॉइन में बदल सकते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम इंटरनेट पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ट्रेडिशनल करेंसी जैसे रुपया या डॉलर से अलग है, क्योंकि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। यह केवल डिजिटल फॉर्म में ही मौजूद है। इसे 2009 में एक अननोन पर्सन ने, जिसे सतोशी नाकामोटो कहा जाता है, लॉन्च किया था। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब होता है गुप्त या छुपा हुआ, और करेंसी का मतलब मुद्रा। इसलिए क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ ऐसी करेंसी जो डिजिटल और सुरक्षित हो। बिटकॉइन कैसे काम करता है? बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन नामक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक लेजर खाता बही की तरह है, जिसमें सभी बिटकॉइन लेन देन ट्रांजैक्शंस दर्ज होते हैं। इस लेजर की कॉपी हर किसी के पास होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को देख सकता है, लेकिन कोई भी उन्हें बदल नहीं सकता। बिटकॉइन रखने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए। यह वॉलेट एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी अन्य डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वॉलेट एक बैंक खाते की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने बिटकॉइन रख सकते हैं और उन्हें भेज या प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए आपका वॉलेट एक प्राइवेट की गुप्त कुंजी और एक पब्लिक की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करता है। पब्लिक की वह है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे आपको बिटकॉइन भेज सकें। प्राइवेट की को गुप्त रखना होता है, क्योंकि इसका उपयोग आपके वॉलेट को एक्सेस करने और ट्रांजैक्शंस करने के लिए होता है। बिटकॉइन नेटवर्क को सुरक्षित और चालू रखने के लिए माइनिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें लोग, माइनर्स, अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। इसके बदले में उन्हें नए बिटकॉइन दिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा अब समझते हैं कि बिटकॉइन का उपयोग कैसे करें। अगर करना चाहें तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको एक एक्सचेंज जैसे वॉजरेक्स, कॉइनबेस, बाइनेंस पर अकाउंट बनाना होगा। आप अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। खरीदे गए बिटकॉइन आपके डिजिटल वॉलेट में जमा हो जाएंगे। आप बिटकॉइन का उपयोग करके ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में पेमेंट कर सकते हैं। कई लोग बिटकॉइन को एक निवेश के रूप में खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। आप बिटकॉइन का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पारंपरिक बैंकिंग मनी ट्रांसफर की तुलना में तेज और सस्ता होता है। कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिटकॉइन में दान एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं तो आपको उनके पब्लिक की जरूरत होगी। अपने वॉलेट में जाएं, सेंड ऑप्शन चुनें, पब्लिक की दर्ज करें और जितना बिटकॉइन भेजना है वो डालें। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म करें। अगर कोई आपको बिटकॉइन भेजना चाहता है तो उन्हें आपके पब्लिक की जरूरत होगी। आप उन्हें अपना पब्लिक की दे सकते हैं और वे आपके वॉलेट में बिटकॉइन भेज सकते हैं। कई ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। आप इन स्टोर्स पर अपने बिटकॉइन का उपयोग करके चीजें खरीद सकते हैं। बिटकॉइन किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि इसे दुनिया भर के लोगों के द्वारा चलाया और मैनेज किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक के कारण बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड सीक्रेट रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके ट्रांजैक्शंस को बदल या छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस पारंपरिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तुलना में तेज और सस्ते होते हैं। इसमें बैंक की तरह समय नहीं लगता और ट्रांजैक्शन फीस भी कम होती है। चलिए थोड़ा बिटकॉइन के नुकसान को भी समझते हैं। बिटकॉइन की कीमत बहुत ही वोलाटाइल, अस्थिर है।
इसका मतलब है कि इसकी कीमत तेजी से बढ़ और घट सकती है, इसलिए इसमें निवेश करने में जोखिम होता है। अगर आपका वॉलेट हैक हो जाता है या आप अपनी प्राइवेट की खो देते हैं तो आपके बिटकॉइन चोरी हो सकते हैं और आपको वापस नहीं मिल सकते। बिटकॉइन की कानूनी स्थिति कई देशों में स्पष्ट नहीं है। कुछ देश इसे प्रतिबंधित करते हैं जबकि कुछ ने इसे लीगल मनी के रूप में मान्यता दी है। बिटकॉइन के लेन देन और बाजार डेटा का विश्लेषण आर्थिक रुझानों और निवेश अवसरों को समझने में मदद करता है। डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके इन्वेस्टर मार्केट की दिशा को प्रेडिक्टेबल कर सकते हैं। बिटकॉइन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकें उपयोग में लाई जाती हैं, जो लेन देन की सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को बढ़ाती हैं। विभिन्न देशों में बिटकॉइन के लिए अलग अलग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए जा रहे हैं। इन ढांचों का उद्देश्य बिटकॉइन के उपयोग को नियंत्रित करना और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। बिटकॉइन ने डिजिटल मार्केटिंग के नए अवसर खोले हैं। कई कंपनियां और मार्केटिंग एजेंसियां बिटकॉइन को एक भुगतान विकल्प के रूप में अपनाती हैं। बिटकॉइन को अपनाने से व्यवसाय ग्राहक एंगेजमेंट और निष्ठा को बढ़ावा दे सकते हैं। यह व्यवसायों को एक मॉडर्न और टेक्निकल अप्रोच में प्रस्तुत करता है। बिटकॉइन ग्लोबल फाइनेंशियल शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। यह ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मुद्राओं के ऑप्शन के रूप में उभर सकता है। बिटकॉइन के विकास ने अन्य क्रिप्टोकरेंसी के मार्केट को जन्म दिया है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डाइवर्सिटी लाते हैं। कई बड़े कॉरपोरेट कंपनियां बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाकर अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और डेटा मैनेजमेंट को सुधार रही हैं। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से कंपनियां अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकती हैं और धोखाधड़ी की संभावना को कम कर सकती हैं। बिटकॉइन माइनिंग में हाई एनर्जी खपत होती है, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट पैदा कर सकती है। हालांकि कई माइनर्स रिन्यूएबल एनर्जी स्रोतों की ओर बढ़ रहे हैं। बिटकॉइन के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स किए जा रहे हैं। बिटकॉइन ने कई देशों में स्वीकृति प्राप्त की है और कई व्यवसायों द्वारा स्वीकार किया गया है। यह वैश्विक स्तर पर मुद्रा की मान्यता को बढ़ावा देता है। बिटकॉइन की मूल्य अस्थिरता कई बार इन्वेस्टर्स के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसका मूल्य तेजी से बदल सकता है, जिससे निवेश जोखिमपूर्ण हो सकता है। बिटकॉइन को सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के वॉलेट्स उपलब्ध हैं, जैसे कि हार्डवेयर वॉलेट्स और पेपर वॉलेट्स। ये वॉलेट्स बिटकॉइन की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स और पेपर वॉलेट्स डिफरेंट टाइप्स की सुरक्षा प्रदान करते हैं और यूजर्स को अपनी बिटकॉइन को सुरक्षित तरीके से स्टोर करने की सुविधा देते हैं। कंपनियां बिटकॉइन को अपने ग्राहकों के लिए एक ऑप्शनल पेमेंट्स मेथड के रूप में पेश कर रही हैं। इससे कस्टमर को मैक्सिमम ऑप्शंस मिलते हैं और कंपनियों को नए ग्राहक अट्रैक्ट करने का अवसर मिलता है। कई बैंकिंग और वित्तीय संस्थान बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपने कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में शामिल कर रहे हैं, जिससे उनकी सेवाओं की ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा में सुधार हो रहा है। कई चैरिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिटकॉइन को दान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इससे दानकर्ताओं को एक नया और सुविधाजनक ऑप्शन मिलता है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग चैरिटी के फंडिंग को ट्रैक करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे दानकर्ताओं को उनकी दान की सही उपयोगिता की जानकारी मिलती है। विभिन्न देशों में बिटकॉइन की कानूनी स्थिति अलग अलग है। कुछ देशों ने इसे कानूनी मान्यता दी है, जबकि अन्य ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। बिटकॉइन के साथ जुड़े कानूनी और रेगुलेटरी चैलेंजेस को समझना और उनका समाधान करना महत्वपूर्ण है, ताकि इसके उपयोग को सही तरीके से नियंत्रित किया जा सके। बिटकॉइन की तकनीक का उपयोग डिजिटल आर्ट और NFT के निर्माण और व्यापार में किया जा सकता है। यह कलाकारों और कलेक्टरों को नए अवसर प्रदान करता है। बिटकॉइन ने डिजिटल आर्ट मार्केट को नया आयाम दिया है, जहां कलाकार और कलेक्टर बिटकॉइन के माध्यम से अपने कार्यों का आदान प्रदान कर सकते हैं। बिटकॉइन का उपयोग इंटरनेशनल बिजनेस के लेन देन में किया जा सकता है। यह सीमा पार लेन देन को तेज और सस्ता बनाता है। बिटकॉइन का उपयोग विभिन्न मुद्राओं में व्यापार को आसान बनाता है, जिससे व्यापारिक लेन देन को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। बिटकॉइन का उपयोग अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए किया जा सकता है, जो पारंपरिक बैंकों की तुलना में तेज और कम लागत वाला हो सकता है।
ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स की तुलना में बिटकॉइन लेन देन की फीस कम हो सकती है। यह विशेष रूप से छोटी और अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए लाभकारी हो सकता है। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन रिसर्च को प्रेरित किया है, जो अन्य क्षेत्रों में भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को बढ़ावा देता है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन तकनीक ने नए डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को जन्म दिया है, जो भविष्य के तकनीकी समाधानों का हिस्सा हो सकते हैं। बिटकॉइन की जानकारी और ट्रेंड्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा किया जाता है, जिससे इसकी पॉपुलैरिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। सोशल मीडिया पर बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है। बिटकॉइन के भविष्य में नई टेक्निक्स एंड सॉल्यूशंस के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी के सुधार शामिल हैं। भविष्य में बिटकॉइन का ग्लोबल अडॉप्शन बढ़ने की संभावना है, जिससे इसका उपयोग अधिक व्यापक रूप से होगा और नए बाजारों में प्रवेश करेगा। बिटकॉइन की व्यापकता और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इसके विभिन्न पहलू, जैसे कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, चैरिटी, कानूनी चैलेंजेस और डिजिटल आर्ट, इसे मल्टीफंक्शनल और मिसलेनियस टेक्निक्स बनाते हैं। यदि आप बिटकॉइन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो इसकी एस्पेक्ट्स को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है। इससे पब्लिक सर्विसेज जैसे कि एनर्जी मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट को और भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है। बिटकॉइन के विकास के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, जैसे कि क्रिप्टो एटीएम्स और लेन देन पॉइंट्स, जो यूजर्स को बिटकॉइन को सीधे एक्सचेंज करने की सुविधा प्रदान करते हैं। बिटकॉइन की लोकप्रियता ने अन्य क्रिप्टोकरेंसी के विकास को प्रेरित किया है। इन नई मुद्राओं का उपयोग विभिन्न व्यापारिक और वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी ने बिटकॉइन की बेसिक टेक्निक्स को विकसित किया है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सुविधा प्रदान की है, जो विभिन्न प्रकार की लेन देन और अनुबंध को स्वचालित कर सकते हैं। बिटकॉइन का उपयोग पॉलिटिकल रिस्क से सुरक्षा के रूप में किया जा सकता है, विशेषकर उन देशों में जहां राजनीतिक अस्थिरता है। बिटकॉइन एक सुरक्षित वित्तीय विकल्प हो सकता है। बिटकॉइन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रोटोकॉल और एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। यह लेन देन की सुरक्षा और डेटा की प्राइवेसी को बनाए रखता है। बिटकॉइन नेटवर्क को साइबर अटैक से सुरक्षित रखने के लिए लगातार निगरानी और सुरक्षा उपाय लागू किए जाते हैं। यह नेटवर्क को सुरक्षित और मजबूत बनाता है। बिटकॉइन यूजर्स को 24/7 सपोर्ट एंड सर्विस प्रदान करने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और सपोर्ट सर्विसेज उपलब्ध हैं। बिटकॉइन ने ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एक अल्टरनेटिव डिजिटल करेंसी के रूप में खुद को स्थापित किया है। यह ट्रेडिशनल करेंसी की तुलना में एक नई फाइनेंशियल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के समय बिटकॉइन का मूल्य अक्सर बढ़ जाता है, क्योंकि लोग इसे एक सुरक्षित निवेश के रूप में मानते हैं। यह ग्लोबल इकोनॉमिक संकटों से बचने का एक तरीका हो सकता है। बिटकॉइन ने कई नए बिजनेस मॉडल्स और स्टार्टअप्स को जन्म दिया है। कई नई कंपनियां और प्लेटफॉर्म बिटकॉइन के आधार पर नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का विकास कर रही हैं। बिटकॉइन स्वीकार करने वाले व्यवसाय ग्राहकों को न्यू पेमेंट मेथड्स की सुविधा प्रदान करते हैं और लेन देन को तेज और सस्ता बनाते हैं। बिटकॉइन ने उन लोगों के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया है, जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। यह विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सहायक है। कई देशों में बिटकॉइन के कानूनी अधिकार और संरक्षण पर बहस हो रही है। इसका उपयोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की रक्षा के रूप में देखा जा सकता है, विशेषकर उन जगहों पर जहां पारंपरिक वित्तीय सेवाएं सीमित हैं। बिटकॉइन ने फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दिया है। लोगों को डिजिटल करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में अधिक जानने का अवसर मिला है। बिटकॉइन का उपयोग प्राइवेसी और सुरक्षा की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल जानकारी की सुरक्षा प्रदान करता है और आर्थिक लेन देन को गोपनीय बनाता है। कई देशों ने बिटकॉइन के उपयोग और रेगुलेशन के लिए नीति गाइडलाइंस तैयार की है। ये गाइडलाइंस बिटकॉइन की कानूनी स्थिति और उपयोग के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करती है। इंटरनेशनल बिटकॉइन ऑर्गेनाइजेशन और क्रिप्टोकरेंसी के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और नीतियां विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे इंटीग्रेटेड और ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन सुनिश्चित हो सके। बिटकॉइन की सफलता ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अन्य उपयोगों की खोज को प्रेरित किया है। नई टेक्नोलॉजी जैसे कि हाइपरलेजर और एथेरियम बिटकॉइन की तकनीक पर आधारित हैं। बिटकॉइन के साथ साथ
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ने नई तकनीकी संभावनाओं को जन्म दिया है। ये ऑटोमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स और कानून। बिटकॉइन का उपयोग स्थानीय व्यवसायों में भुगतान के रूप में किया जा सकता है। इससे व्यवसाय मालिकों को नए ग्राहकों को आकर्षित करने का अवसर मिलता है और लेन देन की प्रक्रिया सरल होती है। बिटकॉइन स्वीकार करने वाले व्यवसायों को व्यापारिक प्रचार और मार्केटिंग में लाभ होता है। यह उन्हें टेक्नोलॉजी और मॉडर्न बिजनेस के रूप में पेश करता है। बिटकॉइन का उपयोग कई नई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में किया जा रहा है, जैसे कि बिटकॉइन आधारित फंड और इन्वेस्टमेंट प्लान्स। ये प्रोडक्ट निवेशकों को बिटकॉइन की दुनिया में कदम रखने का अवसर प्रदान करते हैं। बिटकॉइन पर आधारित फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बाजार में उपलब्ध हैं। ये उत्पाद निवेशकों को बिटकॉइन की कीमत में उतार चढ़ाव से लाभ प्राप्त करने का मौका देते हैं। बिटकॉइन ने मुद्रा विविधीकरण की दिशा में एक नई राह खोली है। ट्रेडिशनल करेंसीज के अलावा बिटकॉइन एक अल्टरनेटिव करेंसी के रूप में उभरा है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है। बिटकॉइन को इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान एक सुरक्षित शेल्टर के रूप में देखा जा सकता है। जब ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम संकट में होती है, तो बिटकॉइन का मूल्य बढ़ सकता है। बिटकॉइन की बढ़ती लोकप्रियता के साथ साइबर सुरक्षा खतरे भी बढ़ गए हैं। उपयोगकर्ताओं को अपने बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन के लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए एन्क्रिप्शन और अन्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिससे डेटा और धन की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। बिटकॉइन में लगातार तकनीकी सुधार हो रहे हैं, जैसे कि लेयर 2 समाधान और प्रोटोकॉल अपडेट। ये सुधार बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। बिटकॉइन के भविष्य में कई प्रमुख परियोजनाएं और अपग्रेड्स की योजना बनाई जा रही है। इन प्रोजेक्ट्स का मेन ऑब्जेक्टिव बिटकॉइन को और भी इंप्रेसिव एंड यूजफुल बनाना है, लेकिन कोई भी उन्हें बदल नहीं सकता। बिटकॉइन रखने के लिए आपको एक डिजिटल वॉलेट चाहिए। यह वॉलेट एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या किसी अन्य डिवाइस पर डाउनलोड कर सकते हैं। यह वॉलेट एक बैंक खाते की तरह काम करता है, जिसमें आप अपने बिटकॉइन रख सकते हैं और उन्हें भेज या प्राप्त कर सकते हैं। बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए आपका वॉलेट एक प्राइवेट की, गुप्त कुंजी, और एक पब्लिक की, सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करता है। पब्लिक की वह है जिसे आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वे आपको बिटकॉइन भेज सकें। प्राइवेट की को गुप्त रखना होता है क्योंकि इसका उपयोग आपके वॉलेट को एक्सेस करने और ट्रांजैक्शंस करने के लिए होता है। बिटकॉइन नेटवर्क को सुरक्षित और चालू रखने के लिए माइनिंग की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें लोग, माइनर्स, अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का उपयोग करके ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई और ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। इसके बदले में उन्हें नए बिटकॉइन दिए जाते हैं। तो चलिए थोड़ा अब समझते हैं कि बिटकॉइन का उपयोग कैसे करें। अगर करना चाहें तो बिटकॉइन खरीदने के लिए आपको एक एक्सचेंज जैसे वॉजरेक्स, कॉइनबेस, बाइनेंस पर अकाउंट बनाना होगा। आप अपने बैंक अकाउंट या क्रेडिट डेबिट कार्ड का उपयोग करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं। खरीदे गए बिटकॉइन आपके डिजिटल वॉलेट में जमा हो जाएंगे। आप बिटकॉइन का उपयोग करके ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में पेमेंट कर सकते हैं। कई लोग बिटकॉइन को एक निवेश के रूप में खरीदते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ेगी। आप बिटकॉइन का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। यह पारंपरिक बैंकिंग मनी ट्रांसफर की तुलना में तेज और सस्ता होता है। कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिटकॉइन में दान एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं तो आपको उनके पब्लिक की जरूरत होगी। अपने वॉलेट में जाएं, सेंड ऑप्शन चुनें, पब्लिक की दर्ज करें और जितना बिटकॉइन भेजना है वो डालें। इसके बाद ट्रांजैक्शन कंफर्म करें। अगर कोई आपको बिटकॉइन भेजना चाहता है तो उन्हें आपके पब्लिक की जरूरत होगी। आप उन्हें अपना पब्लिक की दे सकते हैं और वे आपके वॉलेट में बिटकॉइन भेज सकते हैं। कई ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन स्टोर्स बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। आप इन स्टोर्स पर अपने बिटकॉइन का उपयोग करके चीजें खरीद सकते हैं। बिटकॉइन किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में नहीं है। यह डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका मतलब है कि इसे दुनिया भर के लोगों के द्वारा चलाया और मैनेज किया जाता है। ब्लॉकचेन तकनीक के कारण बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सिक्योर एंड सीक्रेट रहते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके ट्रांजैक्शंस को बदल या छेड़छाड़ नहीं कर सकता। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस पारंपरिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की तुलना में तेज और सस्ते होते हैं। इसमें बैंक की तरह समय नहीं लगता और ट्रांजैक्शन फीस भी कम होती है। चलिए थोड़ा बिटकॉइन के नुकसान को भी समझते हैं। बिटकॉइन की कीमत बहुत ही वोलाटाइल, अस्थिर है।
इसका मतलब है कि इसकी कीमत तेजी से बढ़ और घट सकती है, इसलिए इसमें निवेश करने में जोखिम होता है। अगर आपका वॉलेट हैक हो जाता है या आप अपनी प्राइवेट की खो देते हैं तो आपके बिटकॉइन चोरी हो सकते हैं और आपको वापस नहीं मिल सकते। बिटकॉइन की कानूनी स्थिति कई देशों में स्पष्ट नहीं है। कुछ देश इसे प्रतिबंधित करते हैं जबकि कुछ ने इसे लीगल मनी के रूप में मान्यता दी है। बिटकॉइन की सप्लाई को 21 मिलियन तक सीमित रखा गया है। इसका मतलब है कि कभी भी 21 मिलियन से अधिक बिटकॉइन नहीं बनाए जा सकते। यह सीमित आपूर्ति बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसका मूल्य समय के साथ बढ़ने की संभावना है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस अननोन होती है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन उपयोगकर्ता अपनी पहचान छुपा सकते हैं। हालांकि हर ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होती है, लेकिन इसमें उपयोगकर्ता की पहचान नहीं होती। बिटकॉइन को विश्व भर में स्वीकार्यता मिल रही है। कई प्रमुख कंपनियां और संगठन बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इससे बिटकॉइन की उपयोगिता और मान्यता में वृद्धि हो रही है। दुनिया भर में बिटकॉइन एटीएम मशीनें स्थापित हो रही हैं। ये एटीएम मशीनें आपको बिटकॉइन खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। आप इन मशीनों के माध्यम से बिटकॉइन को नकदी में बदल सकते हैं और नकदी को बिटकॉइन में बदल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बिग थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।